हेलो गाइस, वेलकम टू माइनक्राफ्ट। ये तो मैं अपने वर्ल्ड का नाम डाल रहा हूँ ब्लिंक, क्योंकि मैं हूँ एक ब्लिंक। यस, तुम मुझे कह सकते हो ब्लिंक। तो फाइनली यहाँ पे मेरा वर्ल्ड डॉट हेलो। यहाँ पे ये मुर्गी क्या कर रही है? वैसे कोई बात नहीं, सबसे पहले मुर्गी लौट रही, तो इसका मतलब गेम वाले अलग ही हो रहा है। तो ये माइनक्राफ्ट की पहली वीडियो, तो सबसे पहले मुझे माइनक्राफ्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? तुम्हें जरूरत पड़ती है लकड़ी की। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लकड़ियाँ तोड़ूंगा। तो ये पेड़ मुझे लकड़ियाँ देखने के लिए अच्छा लग रहा है, मतलब इसमें अच्छी लकड़ियाँ मिलेंगी, ओके मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी। तो मैं इस लकड़ी से पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाऊंगा और पहले लकड़ियाँ तोड़ लेते हैं, टाइम लगने वाला है इसमें। तो फाइनली यहाँ पर मैंने लकड़ियाँ तोड़ ली हैं और उस लकड़ी से मैं प्लैंक्स बनाऊँगा और उन प्लैंक से मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाऊँगा और क्राफ्टिंग टेबल बना के उससे चीज़ें बनाऊँगा। लेकिन उसके लिए मुझे इन लकड़ियों को प्लैंक बनाना पड़ेगा, तो सबको प्लैंक बना देता हूँ पहले। अब मैंने सब कुछ बना लिया, मैं यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल रखता हूँ। अब यहाँ पे सामान बनाता हूँ अलग अलग। तो सबसे पहले क्या बनाऊँ? वैसे मुझे किसी चीज़ की रेसिपी नहीं पता, मुझे थोड़ी बहुत रेसिपी पता है, बस इतना ही पता है कि ये सब चीज़ें बनती हैं। तो अभी मुझे बस एग्स की रेसिपी पता है, तो मैं एग्स बना रहा हूँ, बाकी चीज़ें बाद में बनाऊँगा। तो मैं इस क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ लेता हूँ और अब चलते हैं थोड़ा आगे। तो आज के एपिसोड में मुझे विलेज ढूंढना है और एक घर बनाना है आराम से। तो वो देखते हैं, मतलब एक घर नहीं, टेम्प्रेरी घर बनाना है। तो यहाँ पर मुझे शीप मिल गई, तो मैं बेड बनाने के लिए थोड़ी सी शीप मार लेता हूँ। इनसे वूल मिलेगा तो बेड बना लेंगे, लकड़ियाँ तो है ही वैसे मेरे पास। तो दो वूल मिले हैं मुझे, एक भेड़ और मारनी है, लेकिन यहाँ पे वाइट कलर की कोई है नहीं, तो आगे हो सकता है कहीं मिल जाए, देखते हैं अभी आगे। तो मैं वहाँ से पानी में जंप लगाने वाला हूँ और मुझे जाना है दूसरी तरफ, तो थोड़ी सी तेज़ स्पीड में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरी तरफ हो चुका हूँ और भाई साहब मुझे विलेज मिल चुका है। चलो, ये गेम लकी निकला। वैसे वर्ल्ड का नाम इतना लकी है तो गेम भी लकी निकलेगा। ओके, तो देखो अब मुझे इस विलेज को थोड़ा बहुत लूटेंगे, वैसे नहीं लूट रहे, थोड़ा बहुत बस सामान ले लेते हैं, जितना दो तीन ब्रेड ले लेंगे। मतलब दो तीन ब्रेड तो मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला, ज़्यादा ही लेने वाला हूँ। यहाँ पे पहले मैं अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर दूँ, जिससे मैं मरूँ तो यहाँ पे आ जाऊँगा। वैसे मैं मरने वाला नहीं हूँ, तुम्हें पता है, मैं नहीं, वैसे तुम्हें नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता, मैं प्रो ही नहीं, मैं बहुत कम प्रो हूँ, लेकिन फिर भी इस गेम में हम प्रो बन सकते हैं, क्योंकि ये गेम बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ से पहले मैं थोड़ी ब्रेड बना ली हैं, अब मैं यहाँ से सामान देखता हूँ। एक मुझे तलवार बना ली है और यहाँ पर मैंने दो तलवारें बना ली, गलती से मुझे पिकैक्स बनानी थी लेकिन मैंने तलवार बना ली, कोई नूब नहीं बोलेगा मुझे। तो मैं ऊपर वाले पहाड़ पर चलता हूँ, वहाँ पर पहाड़ पर हो सकता है कुछ सामान मिले। यहाँ पर मुझे पहाड़ के ऊपर आके कोल मिल गया थोड़ा, और मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं पिकैक्स नहीं बना पाया, मतलब मैं पिकैक्स की जगह मैंने तलवार बना ली। अब पिकैक्स बनाने के लिए हमारे पास प्लैंक नहीं है, तो प्लैंक लेके आते हैं। तो भाई निकास, यहाँ पे मैंने पिकैक्स बना लिया, मतलब पेड़ इतने बहुत से थे वहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने पहला कोल भी ले लिया और यहाँ पे मैंने अपनी आयरन की पिकैक्स बना ली, मतलब इतना ओ आयरन की कह रहा हूँ, वैसे थोड़ी बहुत ज़ुबान फिसलती रहती है, कोई कुछ हो गया नहीं। मेरे पास स्टोन की पिकैक्स और मैंने थोड़ा बहुत स्टोन भी तोड़ लिया। तो अब मुझे थोड़ा आगे जाना है, तो यहाँ पे मैं चलते चलते आगे आ चुका हूँ। मैंने थोड़ी और ब्रेड ले ली थी, यहाँ मैं नीचे, ओ भाई साहब यहाँ पे मुझे आयरन मिल चुका है, तो अब मैं थोड़ा आयरन लूटूंगा यहाँ पे, थोड़ा नहीं जितना भी होगा मैं सब लूटने वाला हूँ। यहाँ पे नई रेसिपी अनलॉक हो गई है, तो मैं यहाँ पे सारा आयरन तोड़ लिया है। ये वाला तोड़ने के लिए ये ब्लॉक भी तोड़ना पड़ेगा, इस ब्लॉक को भी तोड़ते हैं और पैसा भी यहाँ पे आयरन ले लिया है। तो थोड़ा सा अंदर जाके देखता हूँ, देखो हाँ भाई साहब थोड़ा सा और आयरन मिल गया मेरे को। इधर उधर कोई है तो नहीं? कोई नहीं है, तो मैं ये आयरन भी तोड़ लूँगा। देखो ये केव तो हमारे लकी निकली आती, और भी आयरन है, तो मैं ये सब तोड़ने वाला हूँ। और यहाँ पे ये नीचे भाई सब गड्ढा कैसे हो रहा है? कोई नहीं, गड्ढा ही तो है। वैसे उधर से आवाज़ आ रही है, इनकमिंग डेथ हो सकती है, और भाई साहब यहाँ पे मौत होने वाली है, मुझे पक्का पता है, और मौत हो गई यहाँ पे। कोई बात नहीं, रिस्पॉन हो सकते हैं, हार्ड कोर नहीं खेल रहे, रिस्पॉन हो गया। और अब मुझे जाके अपना सामान लेना है भाई साहब। रन। तो फाइनली गाइस, मैं अपना सारा सामान जाके वापस ले आया हूँ, और अब मुझे थोड़े से बहुत मैंने प्लैंक्स बना लिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे बनाना है एक टेम्परेरी वाला घर। टेम्परेरी वाला घर समझ रहे हो, मतलब उसमें चार दीवार होंगी और एक छत होगी, बाकी कुछ नहीं होगा उसमें, ना खिड़की दरवाजे होंगे वैसे, वरना मैं बाहर कैसे निकलूँगा। तो मैंने पहला ब्लॉक सही लगा के दूसरा ब्लॉक ही गलत लगा दिया। तो अब मुझे यहाँ पे कितने बनाने हैं मुझे खुद नहीं पता कितने बनाने हैं, मैं बस बनाए जा रहा हूँ। हो सकता है थोड़े पहले ये थोड़ी जगह साफ़ कर ली जाए, बहुत गंदी हो रही है यहाँ पे, पेड़ उग रहे हैं ऊँचे ऊँचे। तो अब ये जगह साफ़ कर ली है और यहाँ पे
मुझे नहीं पता मैं कितने ब्लॉक लगा रहा हूँ, पहले इसको तोड़ लेते हैं। मैं यहाँ से काउंट करता हूँ कितने ब्लॉक्स हैं। तो ये इतने ब्लॉक्स हैं, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया कितने हैं, फिर भी हैं। लेकिन तो अब मैं ये पूरा घर इतने ही ब्लॉक से करना हूँ, मतलब पूरा स्क्वायर में बना दूंगा, बहुत आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने कर दिया, यहाँ पे दरवाजे के लिए दो ब्लॉक की जगह छोड़ रखी है, दो ब्लॉक की जगह हो गई है। तो अब मुझे इस घर को चार ब्लॉक ऊँचा करना है, हाँ चार ब्लॉक ऊँचा करना है, एक ब्लॉक ऊपर छत आएगी। तो ये पूरा हो चुका है, यहाँ पर ये दो ब्लॉक इधर लगा दिया, दरवाजे की जगह बन गई। और अभी एक ब्लॉक ऊपर जाके हमें छत लगानी है, मतलब कोई तुम्हें पता होगा, तुम समझ गए होगे मैं कितना गंदे डिज़ाइन का घर बनाने वाला हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर चार डर्ट पड़ी हैं, तो इससे मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है मुझे और प्लैंक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे पहले ये जितने हो सकते हैं उतने लगा लेता हूँ, और ये बस इतने ही हो पाए हैं, तो मुझे और प्लैंक्स लेके आने हैं। चलते हैं भाई और प्लैंक्स लाने। तो यहाँ पे मैं और 54 प्लैंक्स लेके आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे छत बन गई है, तो मैंने एक ब्लॉक ऊपर छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास अभी टॉर्च नहीं है। मतलब टॉर्च में बना सकता हूँ लेकिन मैं आलसी हूँ, तो मेरे पास टॉर्च नहीं है। तो मैंने रोशनी के लिए एक ब्लॉक ऊपर छोड़ दिया, जिससे यहाँ पे भूत स्पॉन नहीं हो। वैसे भूत भी कह सकते हैं उन लोगों का, क्रीपर वगैरह आके मारते हैं बस वो। तो अब यहाँ पे थोड़े बहुत सामान बना लेता हूँ जो मुझसे नहीं हुआ। हाँ, तो मैं एक दरवाज़ा बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं दोनों दरवाजे लगा भी दिए हैं, और यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, तो मैं विलेज में जाके सो के आता हूँ। और अपना चलो बेड भी ले आया हूँ, मैं वहाँ पे गया सोया और बेड भी उठा लाया वहाँ से अपना। ये बेड मैंने खुद बनाया है, मैंने उठा के नहीं लाया हूँ किसी का। तो इसको मैं यहीं साइड में लगा देता हूँ, ये बन गया हमारा टेम्प्रेरी बेस। ओह, मुझे लग रहा है पहले एपिसोड के हिसाब से बहुत ही बेकार बनी है, मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो देखो बस हो गया, अगले वीडियो में हम घर बनाने वाले हैं अपना परमानेंट वाला। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।